एक तरफ देश में कोरोना की तीसरी लहर अब थोड़ी कमजोर होती दिख रही है, वहीं महाराष्ट्र में भी इसकी रफ्तार में कमी आती दिख रही है। राज्य में बीते गुरुवार को कोरोना के 2,797 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस खतरनाक संक्रमण से 40 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 6,373 लोगों को स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। वहीं राज्य में अभी तक कुल 78,53,291 लोगों के कोरोना संक्रमित होने और संक्रमण से 1,43,532 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों को देखें तो राज्य में बीते 24 घंटे में 6,383 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं। इसी के साथ ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 76,81,961 हो गई है। साथ ही अब एक्टिव मरीजों का आंकड़ा गिरकर 23,816 पर आ गया है। फिलहाल राज्य में 2,91,023 मरीज होम क्वारंटीन और 1,146 संस्थात्मक क्वारंटीन में है। महाराष्ट्र में बीते गुरुवार को रिकवरी रेट 97.82% और डेथ रेट 1.82% दर्ज किया गया है। क्या है मुंबई के हाल? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां बीते गुरुवार को कोरोना के 259 नए मामले सामने आए हैं। सबसे बड़ी राहत की बात है कि कोरोना संक्रमण से शहर में किसी भी मरीज की कल कोई मौत नहीं हुई है। वहीं पुणे में कल 450 नए मामले आए हैं और कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई है। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। साथ ही 6,383 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। गौरतलब है कि राज्य में अब तक 4,456 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 3,455 लोग फिलहाल ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।